कि जो ट्यूनिंग फोक है ना वो स्टील का बना हुआ है, उसके दो प्रोंग्स हैं, ये इसकी लेग्स हैं, ये ना वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, आगे पीछे वाइब्रेट करती हैं ये। अब जितनी तेज वाइब्रेट करेंगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है, और स्लो करेंगी फ्रीक्वेंसी कम है। तो पेपर में आएगा ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा वैक्स लगा दिया इसके ऊपर, अब ये ठीक तरह वाइब्रेट कर नहीं पाएंगे, भारी हो गए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी वैक्स लगाने पे? कम होगी। तो याद रखना, वैक्स लगाने पे फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की घटेगी। फिर दूसरा केस आएगा, आपके पास ये ट्यूनिंग फोक है, आपने इसको फाइल कर दिया, फाइलिंग करते हैं फाइलिंग, तो आपने इसको तीखा कर दिया एक तरीके से समझ लो, तो ये इजीली मूव है, आराम आराम, भारी नहीं है, हल्का कर दिया, तो ये आराम आराम से ऐसे मूव करेगा, तेज मूव करेगा, तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो याद रखना, लिख दिया, प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फोक इज फाइल्ड, फाइल्ड वर्ड सुनते ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वैक्स लोड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। याद हो गया? तो पहला न्यूमेरिकल, द पॉइंट्स ऑफ प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक बी ओरिजिनली इन यूनिसन विद ट्यूनिंग फोक ए। यूनिसन का मतलब लिख लो यहां पर सेम फ्रीक्वेंसी, यूनिसन मींस सेम फ्रीक्वेंसी, लिख लो बुकलेट पे, यूनिसन का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। तो बी बी और ए की फ्रीक्वेंसी सेम है, अब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 384। तो बी की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है यूनिसन में? 384। बोलो नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? हाँ हाँ बोलो, ठीक बोला, एक फोक की फ्रीक्वेंसी 384, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 384, नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? जीरो। बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू वन माइनस न्यू टू। भाई जब फ्रीक्वेंसी सेम है, वो एनिमेशन बोल तो रहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो बीट्स कहां से जनरेट होंगी? बीट जनरेट करने के लिए कुछ तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस लाना पड़ेगा, सही है। तो शुरू में इनमें नंबर ऑफ बीट्स नहीं थी, पर वो ये कह रहे हैं कि जो बी की कहानी सुना रहे, तो बी को हमने फाइल कर दिया, फाइल कर दिया, फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई बी की, बी की बढ़ गई, पहले कितनी थी? 384, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो उसने ए के साथ नंबर ऑफ बीट्स कितनी जनरेट करवाई? 3। तो फ्रीक्वेंसी बताओ बी की क्या होगी? तो देखो, अगर ए की फ्रीक्वेंसी 384 है, तो बी की फ्रीक्वेंसी फाइल करने पे, जो कि 384 थी पहले, बढ़ेगी। ऐसी बढ़ाओ कि ए के साथ डिफरेंस कितना आ जाए इनका? 3। तो बोलो क्या होगी? 387। 384 से 3 बढ़ा दो तो क्या आया? 387। 387 में से 384 गया, आंसर क्या आया? 3। पर पॉइंट ये है, 384 में मैंने बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई क्यों? क्योंकि उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइलिंग। तो घट भी सकती थी, पर मैंने क्या कहा? बढ़ेगी। कितने अमाउंट से? 3 अमाउंट से, ताकि ये और 384 में डिफरेंस क्या आना चाहिए? समझ में आ रहा है क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, बस एक सीख लो, बाकी सारे वैक्स वाले क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन है, ट्यूनिंग फोक अरेंजमेंट पेयर प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड। दो ट्यूनिंग फोक है, उनमें बीट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंस ऑफ बीट्स कितना है? 4 बीट्स पर सेकेंड। विद वन फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 साइकिल्स पर सेकेंड, इनमें से एक की फ्रीक्वेंसी 288 साइकिल्स पर सेकेंड हर्ट्स होता है, तो इनमें से एक की फ्रीक्वेंसी 288 है। लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन फोक। देखो आगे चलने से पहले एक आंसर दो कि अगर एक ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 288 है और वैक्स नहीं लगाना, अभी दूसरे ट्यूनिंग फोक के साथ फ्रीक्वेंसी 4 है, तो दूसरे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? या तो 4 ज्यादा या 4 कम, मुझे पता नहीं क्या, क्योंकि इसमें ना वैक्स ना फाइलिंग कुछ गिवन तो है नहीं। तो अगर शुरू शुरू में वैक्स, बाद में लगाया है, अगर वैक्स नहीं लगाया शुरू में, अननोन ये फ्रीक्वेंसी, एक नॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 288 288, और अननोन जो आपकी अननोन फोक है इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें नंबर ऑफ बीट्स कितनी आ रही है? 4। और अगर 4 आ रही है तो या तो इसका आंसर 292 होगा या आंसर 284 होगा। वो रीजन, इनका डिफरेंस भी 4 है और इनका डिफरेंस भी 4 है, बड़े छोटे का कोई चक्कर नहीं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अननोन ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी एग्जैक्ट, ये आपको बताना है।
तो एक बात तो पक्की है, आपका आंसर या तो 292 होगा या 284 होगा, दोनों में से एक मार्किंग करनी है। अब दोनों में से एक चूज करना है। चूज करने के लिए आपको हिंट के बने, हिंट है कि अगर मैं कुछ लिटिल वैक्स को लगा दूं किसके ऊपर, अननोन फोक के ऊपर, अब वो नंबर ऑफ बीट्स पहले फोक के साथ कितनी जनरेट करनी शुरू कर दी उसने, दो, पहले चार थी अब दो हो गई, बस ये हिंट है। अच्छा वैक्स लगा लें, पहले वैक्स लगाते हैं। मुझे आंसर मार्क करना है या तो 292 या 284 में से एक आंसर है, चलो 284 पे वैक्स लगाते हैं। थोड़ा लगाना, अब वैक्स तो कितना भी लगा दो, थोड़ा तो एक किलो भी होता है, आप पूरा भरी दोगे तो वो मूव ही नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी और क्या होगा। वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी घटेगी, ये समझ में आता है। तो आपने थोड़ा सा वैक्स लगाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी, मैंने हिट एंड ट्रायल घटा दी, कितनी 283 हो गई। थोड़ा और ज्यादा लगाया 282 होगी, और लगाया 281 होगी, 280 होगी, 279, 270, 260, कुछ तो कमी होगी, कोई तो केस आएगा। अब मेरे को ये बताओ कि क्या इनमें से कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी आपको नजर आती है कि इनमें से कोई भी एक चूज कर लो उसका डिफरेंस 288 के साथ 2 बीट्स पर सेकंड आ रहा है क्या? चूज कर लो 283 और इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। 282 आ रहा है और उल्टा बढ़ता ही आ रहा है डिफरेंस कम होने, तो इसका मतलब 284 आंसर नहीं हो सकता। चलो इस पे लगा के देखें 292। जब इस पे वैक्स लगाया 291, 290, 289, 288 कुछ भी हो सकता है, तो क्या इनमें से क्या कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी आई ताकि इनका डिफरेंस 2 आ जाए? आ रही है, कितना? 286 और 288 का डिफरेंस 2 है, इसका मतलब ये केस तो हो सकता है, इसमें ये रिजेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, तो आंसर क्या मार्क करेंगे? कई लोग करेंगे 286 गलत, ये तो हिंट है इन में से क्या आंसर है, तो आंसर 292 मार्क करना है, 286 मत कर देना मार्क, किसे मिल गया मुझे को केस मिल गया, केस कौन पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं इन दोनों में से क्या आंसर है। तो जो जल्दी आंसर देगा वो मैच कर देना, लोएस्ट लिटिल वैक्स बोला ना उसने, तो थोड़े में जो आंसर आएगा वो आंसर है। 2 बन जाते 290 पे, हाँ सही है, 290 भी बन गई है, दो इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, 290 का डिफरेंस भी 2 है, सही है आंसर, फिर 292 ही मार्क करना है, लेकिन 290 नहीं करना, ये केस सिर्फ चेक करने के लिए है। उसने ये नहीं पूछा वैक्स लगाने पे कौन सा केस आपका हिट हुआ है, उसने पूछा कि शुरू में इनकी बीट चार थी तो ये दो में से एक आंसर मार्क करना है। वैक्स लगाने का तो सिर्फ एक हिंट है कि आप इन दोनों में से एक आंसर चूज करें जो कि क्या होगा 292। समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन गिव्स 4 बीट्स विद अ ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी 310, 310 तो नोन है, नंबर ऑफ बीट्स कितनी आ रही हैं? 4, तो या तो आंसर 4 ज्यादा होगा या आंसर 4 कम होगा, इन दोनों में से एक आंसर मार्क करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, इट गिव्स सेम नंबर ऑफ बीट्स ऑन फाइलिंग, फाइलिंग करने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ 315, 316, 317, इसका डिफरेंस वापस से 4 कभी नहीं आएगा, इसकी बढ़ाओ 306, 307, 308, 309, 314, डिफरेंस फिर से क्या आ गया 4, तो आंसर क्या है 314 आंसर नहीं है, आंसर 306 है, वो तो हिंट है। समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे मार्क करना है इसमें? ठीक है, बीट्स सेम है, वैक्स वाला क्वेश्चन है सेम, ये लो ये भी फेमस क्वेश्चन है। सेट ऑफ 24 ट्यूनिंग, 24 ट्यूनिंग फोक्स हैं, आर अरेंज इन सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इनकी, ईच फोक गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद प्रीसीडिंग वन, तो अगर पहले की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो दूसरे की 4 ज्यादा करना, कम मत करना, उसने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो दूसरे की न्यू प्लस 4 है, तीसरे की क्या होगी 4 और ऐड कर दो, न्यू प्लस 8 हो गई, नेक्स्ट में क्या करेंगे न्यू प्लस 12 कर दो, नेक्स्ट में क्या करोगे 4 और कितनी न्यू प्लस 16 कर दो, ऐसे कितने लगाने हैं 24। नॉन मेडिकल वालों को समझ आ रहा है, एपी बन गई, एपी 4-4 का डिफरेंस है, एपी मेडिकल वालों को एपी क्यों है 10th में, हाँ तो एपी बन गई, कैसे? पहली फ्रीक्वेंसी न्यू है, दूसरी न्यू 4 × 1 है, 4 × 2 है, ऐसी 4 × 23 है, तो आखिरी फ्रीक्वेंसी ये रही, पहली फ्रीक्वेंसी ये रही। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आखिरी फ्रीक्वेंसी है वो ऑक्टेव फर्स्ट है, ऑक्टेव का मतलब लिखो, ऑक्टेव मींस डबल, डबल ऑक्टेव मींस डबल, तो आखिरी फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी से डबल है, ये आखिरी है ये डबल है,
कर दी डबल, कह रहे हैं फिर भी मतलब बताओ पहली और आखिरी फ्रीक्वेंसी है कितनी, इन्हें इक्वेट करके न्यू निकाल लेना, पहली आ गई, फिर यहां पर पुट कर देना आखिरी आ गई आंसर।